नमस्कार, प्रणाम। आज तक बहुत प्रोग्राम अटेंड किए, मतलब अवार्ड लिए और दुनिया भर में, लेकिन आज का जो अवार्ड है ये बहुत अलग है मेरे लिए। जिसने दिया है वो बहुत बड़ा संगीतकार है, मतलब क्लासिकल और लाइट क्लासिकल और सब कुछ। अब मेरे पास जो बैठे हैं, मैं क्या बात करूं, कुछ बोलने के कुछ है नहीं। इतने बड़े पंडित जी बैठे हुए हैं और सामने बैठे हुए सभी सिंगर हैं, एक भी कोई ऐसे नहीं है जिसको गाना नहीं आता हो। ऐसी पब्लिक मैंने नहीं देखी जो बहुत साल पहले जब छोटे थे और पलुस्कर पुण्यतिथि होती थी, तब जाकिर का जन्म भी नहीं था सच में, और हम वहाँ जाते थे छोटे गिरगांव एरिया में, और वहाँ पर जो जितने छोटे छोटे हॉल थे वहाँ पर 3-4 शो एक एक दिन छोड़ के होता था, और रात को हम लोग समझ लीजिए कि 6-7 बजे पहुँच जाते थे, अपनी चप्पल उठा के बांध के साथ में रखते थे क्योंकि इतनी चप्पलें हो जाती थी मिलती ही नहीं थी, और अंदर जाके किसको नहीं सुना उस वक़्त, जितने भी बड़े गुलाम अली खान साहब, बरकत अली खान साहब और आमिर हुसैन खान साहब, जितने सिंगर थे सितार पे, क्या रविशंकर जी बैठते थे, अली अकबर खान साहब, विलायत खान साहब और तिरकवा साहब, उनको भी सुना है तबले पे, इनके पिताजी, मतलब यंग तब सब थे, हम तब तो छोटे थे वो भी यंग थे, और उनका बजाना, तब मैंने ऐसी पब्लिक देखी थी कि रात भर बैठी हुई है, उठ नहीं रही है, एक के पीछे हर आर्टिस्ट आ रहे हैं और गा रहे हैं। अब वो सब सुनने के बाद जो कुछ भी आपने मेरा थोड़ा बहुत सुना अभी गाना, वो सब उनका आशीर्वाद है, उनका जो सुना जो कुछ कान में पड़ा वही हम गाते हैं। और मैं कोई सिंगर हूँ बस, मैं अपने आप को ये नहीं समझती कि बहुत कुछ मैंने किया, बस उनका सुना हुआ जो था, जो पकड़ के रखा अंदर, उसी से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। उन्होंने जो रियाज़ बताया था उस वक़्त कि उन्होंने कैसे रियाज़ किया, कितने घंटे किया, खैर उतना तो हम नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत रियाज़ आज तक चालू रखा है। सब कहते हैं कि आवाज़ छोड़ देती है, जैसे जवानी छोड़ देती है, हर चीज़ छूट जाती है, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि गंगूबाई हनगल एंड तक उसी आवाज़ में गाती थी, और मैंने सुना उनको, आज किशोरी जी की आवाज़ सुन के मेरा जी कांप उठता है कि क्या गाती हैं। तो ऐसे ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ अपने काबू में रखी है, वही प्रयत्न मैंने किया। सुबह उठ के गाने बैठती हूँ और आवाज़ अपना संभालने की कोशिश करती हूँ। अब 82 की उम्र में, 82 की उम्र में भी गा लेती हूँ थोड़ा बहुत। और ये तो नहीं, प्रॉमिस करती हूँ और 5 साल गा सकूँगी। नहीं,
ऐसे मजाक कर रही हूँ, लेकिन बस रियाज ने बचाया है. अच्छे लोगों के गाने सुनने से जो मन में बैठा है वही हम आपको देते हैं. सभी बहुत अच्छा गाते हैं. हर गाने वाले में कुछ ना कुछ खूबी होती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती हूँ और आज तक चली आ रही हूँ. और आज मुझे ये सम्मान मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये सम्मान ऐसे ही किसी का नहीं है, एक बहुत बड़े गाने वाले का है, एक बहुत बड़े संगीतकार का है. उनकी गद्दी चला रहा है सुरेश. उसने मुझे ये मान दिया है आज और आप सब लोगों के सामने, तो मैं बहुत खुश हूँ. इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं होती है जब समझदार आदमी ये काम करता है. एक समझदार आदमी ने मेरा मान